नमस्ते दोस्तों, आज हम पालक आलू के सब्जी बनाएंगे नए तरीके से, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। 3 केजी पालक ले लिए हैं तोड़ के। अब इसे धोकर साफ कर लेंगे, उसके बाद बॉयल करेंगे। पालक को अच्छे से धो के साफ कर लिए हैं, अब इसे बॉयल कर लेंगे। 1 जग पानी डालेंगे, ढक देंगे। गैस ऑन कर दिए, अब 5 मिनट बॉयल होने देंगे। पालक बॉयल हो चुका है, अब गैस को ऑफ कर देंगे और पालक को ठंडा होने देंगे, उसके बाद पीस लेंगे। सारे पालक को पीस लिए हैं, पेस्ट बना लिए हैं, अब सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब उसमें सरसों का तेल डालेंगे। तीन चार तेजपात डालेंगे, 4 मिर्च डालेंगे, 1 जीरा डालेंगे, 1 हींग डालेंगे, 1 प्याज डालेंगे। 4 प्याज को काट के ले लिए थे, अब प्याज को भूनेंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। दो टमाटर काट के ले लिए हैं, उसे डालेंगे। आज घर में कुछ मेहमान आए थे, इसलिए बड़ा कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा सब्जी बनाए हैं। प्याज भून चुका है, अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पालक जो पीसे थे उसमें थोड़ा सा लगा हुआ था, उसको पानी मिलाकर उसे डाल देंगे। और मसाले को 5 मिनट भूनेंगे। मसाले भून चुका है, देखिए चारों तरफ से तेल छोड़ चुका है। अब इसमें पालक डालेंगे, और अच्छे तरह से मिला लेंगे। लगा हुआ था उसमें पानी मिलाकर डाल देंगे। आलू को बॉयल करके पहले से ही ले लिए थे और इसे पीसेस बना लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे आलू को। एक छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और आलू के साथ पालक को मिला देंगे अच्छे तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता डालेंगे और मिला लेंगे। बस ज़्यादा देर नहीं भूनना है, 5 मिनट भूनकर सब्जी को बंद कर देना है, जो कि पालक ऑलरेडी पका हुआ रहता है और आलू भी बॉयल हुआ है। ढककर
5 मिनट पकाएंगे। पाँच मिनट हो चुका है, सब्जी बनकर तैयार है। इसे रोटी, नान, पराठा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। गैस ऑफ कर देंगे। पालक आलू के सब्जी बनकर तैयार है, इसे आप भी बनाइए, खाइए और बताइए कैसा लगा मेरा रेसिपी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।